दोस्तों, जब किसी अपराधी को मौत की सजा दी जाती है तो उसका मरना तय माना जाता है। जहां उसकी मौत की तारीख आने से पहले ही उसकी सांसें तेज होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में अपराधियों के दिमाग में अपने जिंदा बचने की उम्मीद को छोड़कर हर एक तरह के विचार आते हैं। लेकिन जब कभी कोई एक बार नहीं बल्कि 3 बार फांसी की सजा देने पर भी न मरे तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात होती है। और ठीक ऐसा ही जॉन ली नाम के एक शख्स के साथ हुआ था। अब यह हुआ कैसे, इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज की ये वीडियो आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगी। दोस्तों, जिसे कानून भी नहीं मार पाए उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, क्योंकि जॉन ली एक ऐसा शख्स था जहां ब्रिटिश कानून भी इसे मारने में असफल रहा। और ये हुआ कैसे, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि पहले के समय में फांसी की सजा किस तरह से दी जाती थी। बता दें कि पहले के समय में फांसी की इंसानों को जलाने से लेकर उनके शरीर को काटने तक से दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इंसान को सजा देने में थोड़ी रियायत देनी शुरू हो गई, जिसके बाद धीरे धीरे इंसान का गला दबाकर मौत देना, किसी ऊंची जगह से इंसान को नीचे फेंक देना आदि तरह तरह के तरीके आजमाए जाते थे। इस तरह की सजा को स्टैंडर्ड ड्रॉप कहा जाता था। और इसी तरह कई सारे तरीके आजमाने के बाद सन 1872 में मौत की सजा देने के लिए एक नया तरीका इस्तेमाल किया गया, जहां पर दोषी को रस्सी से लटकाकर एक दरवाजे के ऊपर खड़ा कर देना होता है। और जैसे ही बीच में मौजूद दरवाजा खुलेगा वो शख्स सीधा लटक जाएगा, जिसकी वजह से गला दबने के कारण उसकी मौत हो जाएगी। और दोस्तों, सजा देने का यह तरीका आज तक इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे भारत में भी अगर किसी को कानूनी तौर पर सजाए मौत देनी होती है तो इसी तरीके का इस्तेमाल करके लोगों को मौत दी जाती है। ऐसे में दोस्तों, 15 नवम्बर 1884 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जॉन ली को एक महिला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जॉन ली शुरू से ही अपने को बेकसूर बता रहा था, लेकिन उनके पास से मिले एविडेंस से ये साबित हो रहा था कि कत्ल उसने ही किया है। सबसे पहले तो जिस महिला का मर्डर हुआ था वो एक बहुत ही अमीर घराने की महिला थी, जिसके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर काम किया करते थे, और जॉन ली भी उसी में से एक था। हालांकि बाद में जॉन ने वहाँ पर नौकरी करनी छोड़ दी और नेवी ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक चोरी के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। और फिर जब जॉन जेल से छूटकर वापस आया तो उसने फिर से उसी महिला के यहां काम करना शुरू कर दिया, जिसके यहां पहले ये काम किया करता था। और जॉन ली को अपने यहां वापस से काम पर रख लेना ही उस महिला की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई, जिसके बाद एक दिन अचानक उस महिला की मौत हो गई। मौकाए वारदात पर कोई और नहीं सिर्फ जॉन ली को ही पाया गया, जिसकी वजह से उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, जब जॉन ली को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए ले जाया गया तो उसके हाथ में एक कट मिला जो इसके मुजरिम होने का साफ सबूत दे रहा था। एक तरफ पुलिस को इसको छोड़ बाकी किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, वहीं दूसरी तरफ जॉन ली बार बार अपनी बेगुनाही के बारे में बता रहा था। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इनके अलावा वहाँ पर और कोई नहीं था, और इनके हाथों में लगे कट के निशान भी इशारा कर रहे थे कि दाल में कुछ काला है। और ब्रिटिश पुलिस ने अपना ज्यादा दिमाग और समय न गवाते हुए जॉन ली को ही गुनहगार समझकर कोर्ट में केस शुरू कर दिया, जहां पर कोर्ट ने भी इसी को गुनहगार माना और जॉन ली को मौत की सजा सुना दी। पर दोस्तों, इतना कुछ होने के बावजूद जॉन ली बार बार कहता रहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, और अगर इस दुनिया में कहीं भी भगवान है तो मुझे बचाने जरूर आएंगे, क्योंकि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और उसे पता है कि मैं बेकसूर हूँ। दोस्तों, 23 फरवरी 1885 यही वह दिन था जब जॉन ली को फांसी की सजा दी जानी थी। जॉन के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थीं, लेकिन शायद ही उन्होंने कभी यह सोचा होगा कि कानून की ये फांसी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दोस्तों, जॉन को फांसी देने से कुछ समय पहले हर एक चीज पूरी तरह से चेक कर लिया गया कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं, और फिर जॉन के गले में रस्सी लटका कर उसका मुँह पूरी तरह से ढक दिया गया, जिसके बाद जैसे ही जल्लाद नीचे मौजूद दरवाजे को अपने हाथों से हैंडल दबाकर खोला तो दरवाजा खुला ही नहीं। जल्लाद ने कई बार हैंडल को ऊपर नीचे करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर उस दिन वह दरवाजा नहीं खुल सका, जिसके बाद उसकी फांसी की सजा अगले दिन के लिए रख दिया गया। जब दूसरे दिन फिर से जॉनी को सजा देने के लिए फांसी के दरवाजे पर लाया गया तो उस दिन भी वह दरवाजा नहीं खुला। और यही नहीं, लगातार ऐसा 3 बार हो जाने के बाद केस कोर्ट में गया, जहाँ हर एक चीज की तहकीकात की गई कि आखिर ऐसा कैसे
हो रहा है कि एक शख्स को तीन तीन बार फांसी की सजा दी जा रही हो और वह बच निकलता, जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, और इसी वजह से यह केस हाई अथॉरिटी तक गया, जहां इस पहलू की जांच शुरू हुई कि आखिर फांसी की सजा तीन तीन बार कैसे रुक सकती है। और जब पूरी तहकीकात कर ली गई, तो यह पता चला कि एक लोहे के टुकड़े की वजह से दरवाजा बुरी तरह से जाम पड़ा हुआ था, इसलिए वह खुल नहीं रहा था। दोस्तों, कुछ भी हो, पर जॉन ली की कही बात सच हो गई, जहां उसने पहले ही यह कह दिया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया है तो उसे सजा नहीं हो सकती है। और शायद इसी वजह से जब कोर्ट को यह पता चला कि जॉन ली एक नहीं बल्कि तीन बार फांसी की सजा से बच गया है, तो जज ने इस बात को पूरी तरह से समझा कि जब जब जॉन को सजा के लिए ले जाया गया होगा, तब तब वो हर एक पल यह सोच कर मरा होगा कि अब थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाएगी, और इसकी सजा के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि जिस शख्स ने तीन बार मौत को मात दी थी, उसे छोड़ देना ही सही फैसला है। और इसी वजह से जॉन ली को छोड़ दिया गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद जॉन ली कहाँ गया, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। और बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि जॉन ली अपनी फैमिली को छोड़ लंदन शिफ्ट कर लिया था। वहीं कुछ का कहना है कि उसने इंग्लैंड को ही छोड़ दिया था, जिसके बाद 1945 में उसकी मौत की खबर आई, और मौत को चकमा देने वाले जॉन ली, जिसे तीन बार कानून की सजा भी नहीं मार पाई, आखिरकार 80 वर्ष की उम्र में उसका अंत हो गया। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने वाकई इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया। हाँ, ये बात भले ही ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए शर्मनाक थी कि एक ही शख्स तीन तीन बार फांसी की सजा से बच निकला, लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह कहानी हमें बताती है कि जब तक किसी की मौत न लिखी हो, तब तक किसी को नहीं मारा जा सकता, चाहे वह कानून ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।